पश्चिम बंगाल राज्य का दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत जलगाछी चाय बगान और इसके आसपास के इलाके पीने का पानी गत 2 सालों से बंद होने के कारण यहां के हजारों जन समुदाय अभी पानी का संकट भोग रहे हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ है पानी के लिए, पानी मिल नहीं पा रहा है। पीएचई 2 साल से बंद है। बहुत ऐसा हम लोग बोले, बहुत लोग कुछ गए, वीडियो ऑफिस गए, पंचायत ऑफिस गए, आने हाँ हो जाएगा अभी तकलीफ होबे नहीं किया। हम लोग को पानी जल्दी मिलना चाहिए, खाना ना मिले मिले, बाकी पानी हम लोग को मिलना चाहिए। चारों ओर कुएं सूख रहे हैं, हैंडपम्प खराबे हो रहे हैं। समुदाय कहते हैं जल्द से जल्द जल संकट का समाधान हो, नहीं तो समुदाय की ओर से आंदोलन की जाएगी। इस बारे में नक्सलबाड़ी ब्लॉक अधिकारी समक्ष इंटरव्यू लेने गया तो उन्होंने साफ इनकार किया। कम से कम 10,000 लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। 2006 में यहाँ पर एक पीएचई का उद्घाटन हुआ था, तब से यहाँ 2-4-5 महीना तो पानी मिला, मगर उसके बाद से ना के बराबर रहा। बीच में 1 महीना चलता था, फिर विद्युत का बिल ना देने के कारण से फिर आकर विद्युत वाले लाइन काट देते थे। तब से अभी तकरीबन 2 साल हुआ ऐसा ही पड़ा हुआ है। जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था अगर हो जाए तो हम अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, हम सुख की सांस ले सकते हैं। आम नागरिक इसके लिए वीडियो के ऊपर दबाव बनाए, संपर्क करें किंगसुक मैती, फोन 9434081312। मैं राजकुमार रिजाल, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से, इंडिया अनहर्ड के लिए।